हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्लासवेयर्स के बारे में, यानी कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में किस किस प्रकार के ग्लासेस यूज में लाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ग्लासवेयर्स के बारे में कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में कौन कौन से प्रकार के ग्लासेस यूज में लाए जाते हैं और उनके स्टैंडर्ड साइज क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला वाटर गोबलेट। वाटर गोबलेट, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक प्रकार का ग्लास होता है। एक हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में वाटर सर्व करने के लिए ये ग्लास का यूज किया जाता है। जहां तक स्टैंडर्ड साइज का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इस ग्लास का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 10 औंस। नेक्स्ट जो ग्लास है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है हाइबॉल ग्लास। हाइबॉल ग्लास, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक ग्लास होता है जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स में जूस पीने के लिए या पानी पीने के लिए या कभी कभी मॉकटेल्स के लिए यूज में लाया जाता है। इसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 8 to 9 औंस, यानी कि 8 से 9 औंस होता है। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है जूस ग्लासेस। जूस ग्लासेस साइज में थोड़ा छोटा होता है। इसका जो कैपेसिटी होता है, साइज होता है, वो होता है 5 औंस का। इस ग्लास का यूज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस वगैरह पिलाने के लिए होता है ना। बूफे में जूस पिलाना हो या बैंकेट्स वगैरह में कुछ मॉकटेल्स वगैरह सर्व करना हो, तो इसके लिए इस ग्लास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है टॉम कॉलिन ग्लास, यानी कि टॉल ग्लास। इसका इस टॉल ग्लास का जो साइज होता है वो होता है 12 औंस। इस ग्लास का यूज का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका यूज कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, जूसेस पीने के लिए या कभी कभी मॉकटेल्स के लिए यूज में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो ग्लासेस है वो अलग अलग प्रकार के ग्लासेस पाए जाते हैं जिसका यूजेज अलग अलग तरह से किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है वाइन ग्लासेस, जैसे कि रेड वाइन ग्लास। रेड वाइन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस ग्लास का यूज रेड वाइन पीने के लिए किया जाता है। इस ग्लास का जो साइज होता है वो होता है 7 औंस। नेक्स्ट जो है व्हाइट वाइन ग्लास। व्हाइट वाइन ग्लास का यूज व्हाइट वाइन पीने के लिए किया जाता है। इस ग्लास का जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज, वो होता है 5.5 औंस। नेक्स्ट जो ग्लासेस है वो है शैंपेन ग्लासेस, जैसे कि शैंपेन सॉसर। शैंपेन सॉसर का यूज शैंपेन पीने के लिए यूज में लाया जाता है। इसका जो साइज, स्टैंडर्ड साइज होता है, वो होता है 6 to 8 औंस। नेक्स्ट जो ग्लासेस है वो है शैंपेन ट्यूलिप। शैंपेन ट्यूलिप का यूज शैंपेन पीने के लिए किया जाता है। शैंपेन ट्यूलिप का जो साइज है वो होता है 6 to 8 औंस। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर्स हैं वो है बियर मग। बियर मग का यूज बियर पीने के लिए किया जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 12 औंस, यानी कि 12 औंस, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है बियर गोबलेट। बियर गोबलेट का यूज बेसिकली बियर पीने के लिए किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 12 औंस, यानी कि 12 औंस। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है पिल्सनर ग्लास। फ्रेंड्स, पिल्सनर ग्लास दो तरह का होता है, एक होता है स्मॉल साइज और दूसरा होता है ओवर साइज। स्मॉल साइज पिल्सनर ग्लास का जो साइज होता है 6 to 8 औंस, और जो ओवर साइज जो पिल्सनर ग्लास होता है उसका साइज जो होता है वो 12 to 15 औंस। पिल्सनर ग्लास का यूज बेसिकली मॉकटेल्स के लिए या बियर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्लासवेयर है वो है टैंग ग्लास। टैंग ग्लासेस का यूज जो होता है मॉकटेल्स के लिए या बियर पीने के लिए यूज में लाया जाता है। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 8 to 10 औंस। नेक्स्ट है ओल्ड फैशन ग्लास। ओल्ड फैशन ग्लास थोड़ा हैवी ग्लास होता है ना, हाइट में थोड़ा कम, थोड़ा चौड़ा ग्लासेस होता है, काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास होता है। इस ग्लास का यूज बेसिकली विस्की पीने के लिए, कभी कभी कॉकटेल्स के लिए या मॉकटेल्स के लिए यूज में लाया जाता है। ओल्ड फैशन ग्लास का जो साइज होता है वो होता है 8 to 10 औंस। नेक्स्ट है ब्रांडी बैलून। ब्रांडी बैलून एक तरह का ग्लास होता है जो
हल्का सा एक राउंड शेप में होता है। इस ग्लास का यूज ब्रांडी पीने के लिए किया जाता है। ब्रांडी बैलून का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 8 ounce। नेक्स्ट है लीकर गिलास। लीकर गिलास का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 1 ounce। इसका यूज बेसिकली लीकर पीने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट गिलास। शॉर्ट गिलास का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 1 ounce, यानी कि 1 ounce। शॉर्ट गिलास का यूज बेसिकली टकीला पीने के लिए किया जाता है। कभी कभी दूसरे तरह के जो स्पिरिट्स है, नीट स्पिरिट्स के लिए भी शॉर्ट गिलास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो गिलास है वो है कॉकटेल गिलास। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉकटेल गिलास का यूज बेसिकली कॉकटेल सर्विस करने के लिए किया जाता है। कॉकटेल गिलास का स्टैंडर्ड साइज 6 to 8 ounce। नेक्स्ट है मार्टिनी गिलास। फ्रेंड्स, मार्टिनी गिलास दो तरह का होता है, स्मॉल मार्टिनी गिलास एंड ओवर साइज मार्टिनी गिलास, यानी कि बिग साइज मार्टिनी गिलास। स्मॉल मार्टिनी गिलास का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज वो होता है 3 to 4 ounce, और जो ओवर साइज यानी कि बिग साइज का जो मार्टिनी गिलास होता है उसका साइज होता है 6 to 8 ounce। नेक्स्ट जो गिलास है वो है मार्गरेटा गिलास। मार्गरेटा गिलास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्गरेटा एक तरह का कॉकटेल है, टकीला बेस कॉकटेल। तो मार्गरेटा ग्लास का यूज मार्गरेटा कॉकटेल सर्व करने के लिए किया जाता है। मार्गरेटा ग्लास का स्टैंडर्ड साइज होता है वो जो होता है 6 to 8 ounce। तो इस तरह से फ्रेंड्स, होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी भी फूड सर्विस इंडस्ट्री में यूज में लाए जाने वाले सारे ग्लासेस के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आता रहता है।